हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में। देखिए, अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी होगी एंशियंट हिस्ट्री की, तो उसमें मैंने प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या होता है या प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड क्या होता है उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया है, राइट? सो एक चीज़ हमने और भी डिस्कस की थी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड को हम आगे कैसे डिवाइड करते हैं। तो हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक आता है स्टोन एज और एक आता है मेटल एज। तो जो आज की वीडियो है उसमें हम सिर्फ और सिर्फ स्टोन एज के बारे में जानेंगे और मेटल एज जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, अदरवाइज़ वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो जल्दी से अपना पेपर पेन हाथ में उठाएं और जल्दी से अपने नोट्स बनाने स्टार्ट करें, ठीक है? तो देखिए, हम पढ़ रहे हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड, मतलब एक ऐसा टाइम पीरियड जिसके कोई रिटर्न रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं हैं। हमें जैसी चीज़ें मिलती हैं, हम उसके अजम्पशन, उसके कार्बन डेटिंग के थ्रू उसकी एज की स्टडी करके फिर अनुमान लगाते हैं कि हाँ, ये इतनी पुरानी होगी या फिर ये इस पार्ट हिस्ट्री के इस पार्ट से रिलेटेड होगी। फाइन, तो प्री हिस्टोरिक पीरियड में सबसे पहले देखिए, इंट्रोडक्शन पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया, क्या होता है, कैसे डिवाइड करते हैं। सो आज हमें पढ़ना है कि स्टोन एज के अंडर जो तीन स्टेजेस आती हैं, द पैलियोलिथिक एज, द मेसोलिथिक एज एंड द नियोलिथिक एज, बस इन तीन को कवर करना है, ठीक है? तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें। मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। सो चार पाँच चीज़ें इसमें हैं जहाँ से क्वेश्चन उठते हैं कि हंटिंग कब करते थे जो इंसान थे, या होमोसेपियंस कब सबसे पहले अपीयर हुए, केव्स में कब रहते थे, पेंटिंग करते थे केव्स में, बोट मेकिंग कब सीखी, पॉटरी मेकिंग कब सीखी, आग जलाना कब सीखी, खेती बाड़ी करना कब सीखी, ये क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है? तो ये बस यही पार्ट्स हमें यहाँ पे डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले आता है दैट फॉसिल्स ऑफ अर्ली ह्यूमन बींग्स वो फाउंड इन अफ्रीका एथियोपिया। सो मैं कंट्री सर्च कर रही थी गूगल पे, क्योंकि ये तो सबको ही पता है कि सबसे पहले ह्यूमंस जो हैं, ह्यूमंस की एग्जिस्टेंस का पता अफ्रीकन कॉन्टिनेंट या अफ्रीकन कंट्री कह लीजिए वहाँ से लगता है, लेकिन मैंने कंट्री का थोड़ा पता किया तो एथियोपिया से हमें पता चलता है। रिसेंटली अभी कुछ स्टडीज़ हुई हैं जिसके हिसाब से एथियोपिया ऐसी कंट्री है जहाँ पे सबसे पहले ह्यूमंस के ट्रेसेस पाए गए हैं। इंडिया में बात करें तो ढाई लाख साल पहले 2.5 लाख ईयर्स पहले कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं। रिसेंटली बोरी महाराष्ट्र में एक्सकेविशन हुई थी तो वहाँ पे कुछ ऐसे कंकाल मिले हैं जिनसे पता चलता है कि वो काफ़ी पुराने हैं। बट दिस पार्ट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, पार्ट ये वाला इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, पैलियोलिथिक एज है, मेसोलिथिक एज है, नियोलिथिक एज है, इन तीनों का एक टाइम पीरियड भी है, बट ये एग्जैक्ट टाइम पीरियड नहीं मिलेगा आपको, डिफरेंट बुक्स में अलग अलग मिलेगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे का फ़र्क रहेगा, बट मैं आपको कंसेप्ट समझाती हूँ। देखिए, हमने जाना प्री हिस्टोरिक पीरियड दो तरह का है, एक साइड हमने जाना स्टोन एज, फिर हमने जाना मेटल एज। तो मेटल एज को तो हम डिस्कस ही नहीं करते हैं। स्टोन एज को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, द पैलियोलिथिक एज, द मेसो एंड द नियो। सो पैलियोलिथिक एज की टाइम पीरियड क्या थी, 5 लाख BC से 10,000 BC तक। फिर हम जाएंगे मेज़ो में तो उसके 10,000 से 7,000 के आसपास, ठीक है? अब कई बुक्स में यहाँ पे 9,000 दी है, कईयों में 12,000 दी है, तो आपने एक अनुमान सा रखना है, एक आइडिया सा रखना है कि 5 लाख से 10,000 BC यही आपका रहेगा आंसर, ठीक है? सो इट वॉज डिवॉल्व्ड इन प्लिस्टोसिन पीरियड और द आइस एज। ये वाला जो पार्ट है, देखिए ये हम वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है, वहाँ पर आता है ना कि जो ऑरिजिन है प्लस जो इपॉक्स हैं, एजेस हैं, उनके बारे में स्टडी, बट होलोसीन है, प्लिस्टोसीन है, ये सब, बट हम ये यहाँ पे नहीं स्टडी करेंगे। यहाँ पे बस आपने ऐसा ध्यान रखना है कि पैलियोलिथिक एज कब आई थी, आइस एज के टाइम में, जिस टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंड हुआ करती थी और आसपास सिर्फ और सिर्फ बर्फ मिलती थी, ठीक है? तो प्लिस्टोसिन पीरियड के टाइम पे ये एज डिवॉल्व हुई है। साइट्स, अब इसकी साइट्स आपको कहाँ कहाँ मिलेंगी, प्रैक्टिकली इन ऑल द पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के हर एक पार्ट में आपको मिल जाएगी, एक्सेप्ट एल्यूवियल प्लेन्स ऑफ इंडस एंड गंगा। सिंधु नदी और गंगा नदी, इनके जो एल्यूवियल का मतलब है, जो एल्यूवियल मतलब जो उपजाऊ होते हैं, है ना? तो जो उपजाऊ पार्ट्स हैं सिंधु नदी और गंगा नदी के, उनके प्लेन्स में आपको नहीं मिलेगी, उसके अलावा इंडिया में हर एक जगह आपको मिल जाएगा। अब पैलियोलिथिक लोग थे कैसे, देवर फूड गैदरिंग पीपल, मतलब वो कहीं पर उनको खाने को कुछ मिल गया उसको उठा के खा लेते थे, तो खाना इकट्ठा करते थे इधर उधर से, ठीक है? हंटिंग, शिकार किया करते थे, लिव्ड इन रॉक शेल्टर्स एंड केव्स, चट्टानों के नीचे रहते थे, गुफाओं में रहते थे, नो नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, फायर एंड पॉटरी, खेती बाड़ी का इनको कोई पता नहीं था, आग का इनको कोई पता नहीं था, पॉटरी का इनको कोई, पॉटरी क्या होता है, मिट्टी के बर्तन बनाना, उसका इनको कोई पता नहीं था, ठीक है?
होमो सेपियंस फर्स्ट अपियर्ड इन द लास्ट ऑफ दिस फेज़, इस फेज़ के यानी किस फेज़ के हम बात कर रहे हैं, पैलियोलिथिक एज की, तो इस टाइम के बिल्कुल लास्ट के टाइम पे होमो सेपियंस अपीयर हुए थे। प्लस ये क्वेश्चन भी बनता है कि फूड गैदरिंग कब करते थे, इनको एग्रीकल्चर की नॉलेज थी या नहीं थी, तो ये क्वेश्चन आते हैं, आपने बिल्कुल अच्छे से ये टिप्स पे कर लेने हैं, ठीक है। सो होमो सेपियंस कब आए, पैलियोलिथिक एज के बिल्कुल लास्ट टाइम पे अपीयर हो गए थे। ये किस तरह के टूल्स यूज़ करते थे, हैंड एक्सेस, क्लीवर्स, चॉपर्स, ब्लेड्स एक्सेट्रा, जो कि ना फर्निश होते थे ना लीथल होते थे, ठीक है। ये जो टूल्स होते थे हार्ड रॉक, पूरी मिट्टी या चट्टान जो होती है, पत्थर जो होता है उससे बने होते थे, इन्हें कहते थे क्वार्टसाइट, इन टूल्स को। और जो पैलियोलिथिक लोग होते थे उन्हें कहा जाता था क्वार्टसाइट मैन, ये यहाँ पे क्रॉस में हो गया तो आप समझ जाना, हार्ड रॉक को क्वार्टसाइट कहते थे और जो पैलियोलिथिक मैन है इनको क्वार्टसाइट मैन कहा जाता था, ठीक है। नाउ जो पैलियोलिथिक मैन है ये कौन सी रेस से बिलोंग करते थे, तो ये नेग्रिटो रेस से बिलोंग करते थे। अब देखिए हमने पैलियोलिथिक एज के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया, अब जो हमारा भारत देश है यहाँ पे तीन फेजेस आपको मिल जाएंगे, ठीक है, किसके, पैलियोलिथिक एज के ही। किस तरह से डिवाइड किया गया है, अर्ली पैलियोलिथिक फेज, मिडल पैलियोलिथिक फेज एंड अपर पैलियोलिथिक फेज। अर्ली में क्या है, मिडल में क्या है, अपर में क्या है, तो एक एक चीज़ का फ़र्क है वो हम देखते हैं। अर्ली, मिडल एंड अपर, इस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा है। तो नमी जो है वो कम होनी स्टार्ट हो गई थी, आइस एज थी, मतलब हर जगह बर्फ ही बर्फ थी, ठंड थी, ठंड थोड़ी कम होनी स्टार्ट हुई और अपर एज तक वार्म क्लाइमेट हो गया था, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये वाला तो नहीं आता है, क्वेश्चन आता है ये वाला साइट्स का, राइट। तो अर्ली पैलियोलिथिक फेज में सोन वैली है पंजाब में, बेलन वैली है यूपी में, यहाँ पे एविडेंस मिले हैं। मिडिल पैलियोलिथिक फेज के एविडेंस मिले हैं सोन, नर्मदा एंड तुंगभद्रा वैली के एरिया में। अपर पैलियोलिथिक फेज के एविडेंस मिले हैं भीमबेटका, जो कि भोपाल में है, वहाँ के गुफाओं में, ठीक है। तो ये पैलियोलिथिक एज वाला कंसेप्ट हो गया हमारा कंप्लीट। प्लस एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि पेपर पेन लेकर नोट्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि क्या होता है ना, एग्ज़ाम हमारे चलते रहते हैं तो हम एक एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं और वीडियो से पढ़ लिया, गूगल पे किसी वेबसाइट से पढ़ लिया और हमारा काम चल गया, तो जब नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम आने होते हैं तो उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, बिलीव में। तो नोट्स ज़रूर बनाएं, राइट। अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चले चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। सो नेक्स्ट आता है द मेसोलिथिक इरा या फिर द मेसोलिथिक एज। टाइम पीरियड की बात करें तो 10,000 BC से 7,000 BC तक का टाइम पीरियड है। प्लस आगे चलने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, अगर अब आप चाहें तो मेरे हैंड रिटन नोट्स को परचेज़ भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पे मैंने एक लिंक दिया है, जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली मेरे साथ कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे, जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो मैं वहाँ पे सॉल्व कर दूंगी। प्लस बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेट पे आपको सारे के सारे PDF नोट्स मिल जाएंगे, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वापिस आते हैं, मेसोलिथिक एज के बारे में हम पढ़ रहे थे, टाइम पीरियड हमने जान लिया। सो इसे एक ट्रांजिशनल फेज के नाम से भी या ट्रांजिशनल फेज भी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि देखिए जो पैलियोलिथिक एज था वहाँ पे हम अनफर्निश्ड टूल्स यूज़ करते थे, और जो नियोलिथिक एज यानी इसके बाद का आएगा उसमें हम काफ़ी ज़्यादा फर्निश्ड जो चीज़ें हैं, टूल्स हैं, हथियार हैं, उनको यूज़ करेंगे। तो मेसोलिथिक इरा एक ट्रांजिशनल फेज था जिसमें हम अनफर्निश्ड से फर्निश्ड की ओर मूव कर रहे थे। क्लाइमेट की बात करें तो इस टाइम पे क्लाइमेट काफ़ी ज़्यादा वार्म होना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। पहले हमने क्या पढ़ा कि काफ़ी ठंड होती थी, आइस एज के टाइम पे सब कुछ डिवॉल्व हुआ था, लेकिन अभी क्लाइमेट काफ़ी ज़्यादा वार्म होना स्टार्ट हो गया था, और इस चेंजिंग का इफेक्ट पड़ा था फौना एंड फ्लोरा पे भी, मतलब एनिमल्स पे, वेजिटेबल्स पे, फ्रूट्स पे, इन सब चीज़ों पे जो है इफेक्ट पड़ा था। देयरफॉर ह्यूमंस मूव टू न्यू एरियाज। अब क्योंकि मौसम थोड़ा गर्म होने लगा, अब इंसान एक जगह से दूसरी जगह मूव करना भी उसने स्टार्ट कर दिया था। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स आते हैं, हंटिंग, फिशिंग एंड फूड गैदरिंग। तो पहले की तरह शिकार करता था, मछलियाँ पकड़ता था, खाना इकट्ठा करता था, बट इस टाइम पे एक थोड़ा सा शिफ्ट हुआ था, बिग एनिमल हंटिंग से स्मॉल एनिमल हंटिंग की तरफ शिफ्ट हुए थे। मतलब पहले बड़े बड़े एनिमल्स के शिकार करते होंगे, अब ये समझ गए होंगे कि जो बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं वो हानिकारक होते हैं, वो आपको मार सकते हैं, घातक होते हैं, जानलेवा होते हैं, तो वो छोटे एनिमल्स की हंटिंग यानी शिकार की तरफ थोड़े शिफ्ट हो गए थे। एंड एट अ लेटर स्टेज ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, थोड़े बाद में जाके इन्होंने पशुओं को पालना भी स्टार्ट किया था। एंड जो इस
फेज, हम कौन से फेज की बात कर रहे हैं, मेसोलिथिक एज की बात कर रहे हैं, तो इस फेज में जो लास्ट का फेज था, इट ऑल्सो सॉ द बिगनिंग ऑफ प्लेन कल्टिवेशन। इस टाइम में जो प्लेन कल्टिवेशन है, खेती बाड़ी है, उसके भी थोड़े बहुत एविडेंस मिलते हैं। नाउ ये लोग जो टूल्स यूज़ करते थे उन्हें क्या कहते थे, तो उन्हें कहते थे माइक्रोलिथ्स। माइक्रोलिथ्स मतलब पॉइंटेड टूल्स, जिनकी थोड़ी पॉइंट होगी, थोड़े तीखे होंगे आगे से, नॉट मोर देन 5 सेंटीमीटर इन साइज, 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा इनकी लेंथ नहीं होती थी। नाउ आलमगढ़ इन यूपी एंड भागौर इन राजस्थान, दे प्रोवाइड अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। ये दोनों लोकेशंस ऐसे एविडेंस प्रोवाइड करवाती हैं जिनसे ये पता चलता है कि सबसे पहले एनिमल्स की डोमेस्टिफिकेशन यहाँ पे स्टार्ट हुई थी, मतलब एनिमल्स को पालना, पशुओं को पालना आदमगढ़ एमपी और भागौर राजस्थान यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। ठीक है, सो नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट आता है पेंटिंग्स। अब थोड़ा सा पेंटिंग्स के बारे में बताया है, मेसोलिथिक एज के लोगों के बारे में। सो भीमबेटका एमपी में है, काफ़ी फेमस है ये, साइट ऑफ प्री हिस्टोरिक पेंटिंग ऑफ मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज में जो प्री हिस्टोरिक टाइम की पेंटिंग की जाती थी, उसका एक बहुत ही अच्छा खासा एग्जांपल है भीमबेटका केव्स एमपी में। आइडिया अबाउट देयर सोशल लाइफ एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब इन पेंटिंग्स से हमें क्या पता चलता है, उस टाइम के लोगों की सामाजिक ज़िंदगी कैसी थी, आर्थिक लेवल पे व्यापार कैसे करते थे, ये सब कुछ पता चलता है। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैंने यहाँ पर लिखा है, बेलन वैली ऑफ विंध्यास, यानी जो विंध्याचल में है बेलन वैली, वैसे यूपी में है, एंड मिडल पार्ट ऑफ नर्मदा वैली, ये दोनों मिलके क्या करती हैं, ऑल द थ्री फेजेस आर फाउंड इन सीक्वेंस। यहाँ पे जो भी तीन फेजेस हैं वो सीक्वेंस में मिलेंगे, कौन कौन से, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। ठीक है, बेलन वैली ऑफ विंध्यास एंड मिडल पार्ट ऑफ नर्मदा वैली। नेक्स्ट आता है स्टार्टेड टू सेटल फॉर अ लॉन्गर पीरियड इन एन एरिया। इन लोगों ने अब क्या स्टार्ट किया था, एक जगह पे ये काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए रहते थे, तो इन्होंने सेटल होना थोड़ा स्टार्ट किया था। मेसोलिथिक साइट्स, अब मेसोलिथिक साइट्स कौन कौन सी हैं जो फेमस हैं, जो क्वेश्चन में आ सकती हैं, उसका भी पता होना चाहिए। तो वो है लालगंज जो कि है गुजरात में, आदमगढ़ जो कि है एमपी में, एंड सम प्लेसेस ऑफ राजस्थान, यूपी, बिहार एंड सेंट्रल इंडिया, ईस्टर्न इंडिया एंड ऑल। सो नेक्स्ट आता है एनिमल बोन्स, जो हमें एनिमल बोन्स किस किस की मिली हैं, डॉग की मिली है, डियर का मिला है। ठीक है, बुरियल्स ऑफ द डेड अलॉन्ग विद सम माइक्रोलिथ्स। अब कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस या ऐसे एग्जांपल्स भी मिले हैं जहाँ पे जो मृत व्यक्ति है उसके साथ कुछ औजार भी रखे जाते थे, तो इससे क्या लगता है, इससे लगता है कि शायद वो लोग आफ्टर लाइफ में बिलीव करते होंगे, वो बिलीव करते होंगे तभी अपने साथ ज़रूरत का सामान लेकर जाते थे, जिसको जो ज़रूरी लगता था। ठीक है, सो हमारा जो ये वाला पार्ट था मेसोलिथिक इरा, ये भी हो गया है कंप्लीट। एंड नेक्स्ट हमें पढ़ना है मेसोलिथिक इरा, बट आगे चलने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, अगर अब आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसके लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं और मुझे अभी के अभी फॉलो कर सकते हैं। सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चले चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो नेक्स्ट जो आता है वो है नियोलिथिक इरा। अब नियोलिथिक इरा के टाइम पीरियड की थोड़ी सी बात करें तो आप देख ही रहे होंगे स्क्रीन पे, 7000 से 2500 बीसी तक का टाइम पीरियड जो है वो नियोलिथिक इरा के अंडर का है। ठीक है, इस टाइम पे पॉलिश्ड स्टोन टूल्स, पॉलिश किए हुए स्टोन टूल्स का यूज़ होना स्टार्ट हो गया था। मोर लीथल, मोर फर्निश्ड, लीथल होता है घातक, बहुत ज़्यादा घातक होते थे और उतने ज़्यादा फर्निश्ड भी होते थे। राइट, तो एक बार आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूँगी कि नोट्स ज़रूर बनाएं, बिकॉज बिलीव मी नोट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं एंटायर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो उसके प्रिपरेशन में। ठीक है, सो इन साउदर्न एंड ईस्टर्न इंडिया दिस प्लेस वॉज एज लेट एज 1000 BC। अब इस लाइन का मतलब क्या है, जो साउदर्न इंडिया है हमारा प्लस जो ईस्टर्न इंडिया है वहाँ पे अभी भी मेसोलिथिक एज ही चली हुई थी, मतलब वो पीछे थे लेकिन हम लोग आगे पहुँच गए थे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो है ये मॉडर्नाइजेशन 1000 BC के पास आई होगी, कहाँ पे, साउदर्न एंड ईस्टर्न इंडिया में। राइट, नाउ नियोलिथिक मैन कल्टिवेटेड लैंड, ज़मीन में खेतीबाड़ी करते थे, ग्रू फ्रूट्स एंड कॉर्न लाइक रागी एक्सेट्रा, फ्रूट्स की पैदाइश करते थे, कॉर्न हो गए, रागी हो गई, इसकी पैदाइश करते थे, है ना, तो काफ़ी बिजी रहते थे लोग। डोमेस्टिकेटेड कैटल, शीप एंड गोट, पशु हो गए, बकरियां हो गई, भेड़ें हो गई, इन सबको चराते भी थे। दे न्यू अबाउट मेकिंग फायर एंड मेकिंग पॉटरी, आग कैसे जलानी है, मिट्टी के बर्तन कैसे बनाने हैं, इसका भी उन्हें बहुत अच्छे से अंदाज़ा था। पेंटेड एंड डेकोरेटेड एज वेल, अब जो बर्तन होते थे मिट्टी के जो बनते थे उनको सजाते भी थे, उनको डेकोरेट भी करते थे, कौन, नियोलिथिक मैन। दीज पीपल लिव्ड इन केव्स, ये केव्स यानी गुफाओं में रहते थे। डेकोरेटेड द वॉल्स विद हंटिंग एंड डांसिंग सीन्स, जो दीवारें होती थी गुफाओं की वहाँ पे शिकार के सीन यानी हंटिंग सीन हो गए, क्लोथिंग सॉरी डांसिंग सीन्स जो हैं ये सब वहाँ पे मिलते थे देखने के लिए।
है। नाउ ऑल्सो न्यू द आर्ट ऑफ मेकिंग बोट्स, बोट्स कैसे बनानी है ये आर्ट भी था इनके पास, ठीक है। दे कुड ऑल्सो वीव कॉटन एंड वूल टू मेक क्लोथ, कपड़ा बनाने के लिए कॉटन वूल इनको भी वीव कर देते थे, बुन देते थे। नाउ इम्पॉर्टेंट साइट्स, अब कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स आई हैं, ठीक है, इनसे हमें पता चलता है कि कहाँ पे क्या मिला है। जैसे कि पहला है बुरजहम, बुरजहम जो है यहाँ पे हमें क्या मिला है, नाउ डॉग्स वर बरीड विद देयर मास्टर्स इन देयर ग्रेव्स। जो मास्टर्स है, अगर मान लीजिए किसी ने कुत्ता पाला है तो जैसे ही मास्टर की डेथ होगी कुत्ते को भी साथ में दफना देते थे, ऐसा कुछ एग्जाम्पल्स मिले हैं। अलाहाबाद यूपी नोटेड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ राइस इन 6000 BC, जो चावल होते हैं उनकी खेती यहाँ पे होती थी। कोल्दी हवा यूपी रिवील्ड अ थ्री फोल्ड कल्चरल सीक्वेंस, अभी थ्री फोल्ड कल्चरल सीक्वेंस बताता है नियोलिथिक से, जो कि स्टार्ट होता है नियोलिथिक, चैल्कोलिथिक एंड आयरन एज। नेक्स्ट आता है मेहरगढ़, मेहरगढ़ कहाँ पे है, बलूचिस्तान में है। ओल्डेस्ट नियोलिथिक साइट इन इंडिया, इंडिया की सबसे पुरानी नियोलिथिक साइट है। नेक्स्ट आता है गफ कराल इन जम्मू एंड कश्मीर, इससे ऐसे रखना है, यहाँ पे ग्रेवयार्ड मिला है घर के अंदर ही, राइट। नेक्स्ट है छोटा नागपुर रीजन, सेंट्रल इंडिया, साउथ ऑफ कृष्णा रिवर, ये सारी जो है इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। इसके अलावा आता है इन दी लेटर एज और फेस, थोड़े टाइम के बाद, नियोलिथिक फेस ही चल रहा था उसके थोड़े टाइम के बाद, दे लिव्ड अ मोर सेटल्ड लाइफ, लोग अब अच्छी जिंदगी जीने जो है उन्होंने स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। दे लिव्ड इन सर्कुलर एंड रेक्टेंगुलर हाउसेस, यानी कि गोल गोल या रेक्टेंगुलर घरों में वो रहते थे जो कि मड और ईट से बने होते थे। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हैं, कुछ आपको इंपॉर्टेंट नहीं भी लग रही होंगी, तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं लग रही हैं उन्हें आप रहने दीजिए, और जो भी इंपॉर्टेंट लग रहा है उसे अपने नोट्स में ज़रूर लिखें। आज का टॉपिक हो गया हमारा कंप्लीट। आई नो थोड़ा वीडियो लंबा था बट टॉपिक भी कुछ ट्रिकी था। अब इसके बाद मेटल एज बचती है, मेटल एज में आपके पास चैल्कोलिथिक एज एंड आयरन एज दो चीज़ें आती हैं, तो इन दोनों के बारे में हम काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पता है क्या करना है, जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, राइट। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट गाइस एंड सी यू सून।